शाम होते ही यहाँ का मंजर बदल जाता है और इस मंच में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखर जाती है। लेकिन इस मंच को आप सीधे लाइव देख पा रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन ये होता कैसे है, इनके पीछे कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यही चीज़ दिखाने के लिए हम आप आज ये खबर बना रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वहाँ जहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है, लाइव होता है। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम राजीव माघी पुन्नी मेला 2020 को लेकर बड़ी कवरेज कर रहे हैं। राजीव माघी पुन्नी मेला में शाम होते ही यहां का मंजर बदल जाता है और इस मंच में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखर जाती है। लेकिन इस मंच को आप सीधे लाइव देख पा रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन ये होता कैसे है, इनके पीछे कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यही चीज़ दिखाने के लिए हम आप आज ये खबर बना रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वहाँ जहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है, लाइव होता है। तो पहले आपको दिखाएंगे सारा साउंड सिस्टम है जो आपको बेहतरीन जो है साउंड आपको आप तक पहुँचाते हैं और सीधा वहाँ ले जाते हैं जहाँ से ये सारा चीज़ कंट्रोल होता है, ताकि आप तक बेहतर जो है सीधा प्रसारण आप देख सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे इनसे, असर आपको सर दिलीप कुमार धीवर साहब मेरा नाम है, मैं क्रिएटिव विजन से हूँ और सर ये मिक्सर मशीन है, मैं यहाँ से सारा लाइव है देता हूँ। मैं एलईडी जो बाहर में एलईडी लगे हुए हैं उनको देता हूँ और दो केबल है और इस मशीन के द्वारा मैं कैमरामैन से संपर्क करता हूँ सर। कि किस तरह के सावधानी बरतते ताकि दर्शकों को सीधा प्रसारण में कोई दिक्कत ना? सर इसमें सावधानी तो ये बरतने की करंट की चीज़ है सर, इसको तो सावधानी रखना पड़ता है, लेकिन साथ में जो हमारे कैमरामैन है उनको सावधानी बरतना पड़ता है। वहाँ से मैं इस हेडफोन से कॉन्टेक्ट करता हूँ सर कि कैमरा जी मैं कि मैं सही से पिक्चर मेरे को भेजना ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं सर। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे यहां पे आपको दिख जाएगा कि कितना टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, बहुत सारे तारे हैं, तो अगर कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो दर्शकों को काफ़ी दिक्कत पहुंच सकती है, लेकिन इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। आइए सीधे बात करते हैं सर आपको। मैं दिग्विजय वर्मा क्रिएटिव विजन से हूँ। विजय जी, हम देख रहे हैं कि इस बार दर्शकों काफ़ी लाखों दर्शक जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, कैसे आप लोग पूरा काम करते हैं? ये हमारा 5 कैमरे लगे हुए हैं बाहर में, 5 कैमरे के आउटपुट ये हमारे मिक्सर है, मिक्सर पे इनपुट होता है और ये मिक्सर से मिक्स करके हमको एक फाइनल आउट देते हैं। फाइनल आउट जो होता है हमारा एक मशीन है HDMI टू USB कन्वर्टर, ये हमको OBS सॉफ्टवेयर है, OBS में इनपुट लेते हैं और OBS में इनपुट लेने के बाद इसको फेसबुक और यूट्यूब में हम लाइव करते हैं और इस लाइव को हिंदुस्तान के अलावा बाहर विदेशों में भी देखा जा रहा है, जैसे कि बहरीन से, कतार से, हांगकांग से, USA जैसे लोगों का भी वहां के लोग भी देख रहे हैं और बराबर सभी का पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। ये सभी भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन को आपने लाइव करवाया करके। तो यह क्रिएटिव विजन के जो टीम है, आइए अब उनसे बात करते हैं जो सीधे तस्वीर यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से आपके आप लोग तक पहुँचता है। तो कैमरामैन जो हमेशा कैमरा के पीछे होते हैं और आप तक बेहतर से बेहतर तस्वीर पहुँचाते हैं ताकि आप सारी चीज़ आप सीधे देख पाएँ और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो कैमरामैन से पूछना चाहेंगे जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं इसके पीछे भी एक कैमरामैन है जो जिसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। आप कैमरा जी सर सर कैमरा चलाने के टाइम में सर हमको बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कई जगह कैमरा हिल जाता है तो उससे सारे विजुअल खराब हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है सर हमको अपना सांस रोक के भी कैमरा ऑपरेट करना पड़ता है ताकि जो हमारे सीनियर हैं उन लोगों तक सही विजुअल जाए, ताकि वो अपना विजुअल सही तरीके से यूट्यूब में चला सकें। तो आप हमें कुछ वीडियो दिखा रहे थे, वो हम देख रहे हैं। ये अमेरिका का है सर, ये कमेंट कर रहे हैं हमारा सर, इसका ऑडियो मेरा छत्तीसगढ़ मेरे लोग
मीठा संगीत मेरे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले आप थोड़ा संगीत सुनिए छत्तीसगढ़ी, फिर मैं आपको क्रिएटिव विजन, हमारे चैनल क्रिएटिव विजन का सॉन्ग है जिसमें इतना हम छत्तीसगढ़ी कल्चर को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के गाने बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। आज सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम हिंदुस्तान के अलावा अपने राज्य के अलावा विदेशों में भी अगर चलाना चाहें तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलता है। तो हम अपनी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं, जो छत्तीसगढ़ी पोशाक, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली इसको और इसके वेशभूषा को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के गाने बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो ये देखिए आप क्रिएटिव विजन के जो यहाँ पे जो सदस्य है, जो लोग हैं, उनका कितना मेहनत करते हैं, जो आप सीधे लाइव इस बार यूट्यूब के माध्यम से, उसके पीछे ये सभी लोग जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। शाम होते ही मंजर बदल जाता है और यहाँ पे इनके जो कैमरामैन हैं वो तैनात हो जाते हैं और वो हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाते हैं जो आपको अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है जो आप तक लाइव पहुँचाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। तो इसी तरह राजीव माघी पूर्णिमा मेला 2020 की तस्वीरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और राजीव माघी पूर्णिमा मेला 2020 की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।